क्या आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति अमित शाह क्यों हैं? और क्या आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे कभी भी तिरंगा नहीं लगवाया? तो दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसे ही अमेजिंग तथा इंटरेस्टिंग फैक्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फैक्ट नंबर 10, उत्तर कोरिया में सजा के तौर पर 3 पीढ़ियों तक को दंडित किया जाता है, मतलब दादा की गलतियां की कीमत पोते को चुकानी पड़ती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। फैक्ट नंबर 9, साइकोलॉजी कहता है यदि आप डिप्रेशन या टेंशन में हैं और इसे तुरंत खत्म करना चाहते हैं तो अपने कमरों की पूरी तरह सफाई कर डालें। ऐसा करने से आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जिससे आपको खुशी का अनुभव होता है। फैक्ट नंबर 8, ओके शब्द की खोज 1839 में हुई थी जब एक न्यूज पेपर में मजाक में ऑल ओके को ओके लिख दिया था। दरअसल उस समय गलत स्पेलिंग लिखने का फैशन था और लोग ऑल करेक्ट को ऑल करेक्ट कहते थे, यहीं से ओके शब्द बना। फैक्ट नंबर 7, चीजों की प्राइस हमेशा 99, 199, 999 इस तरह क्यों होता है? इसका कारण यह है कि कंपनी की बिक्री बढ़ती है, इसे ऑड प्राइसिंग कहते हैं। ये दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। मान लो एक चीज का रेट 99 है और दूसरी का 101 है, केवल 2 रुपए का फर्क है, लेकिन इसके बाद भी आपको 99 रुपए सस्ता और 101 रुपया महंगा लगेगा। और यदि एक सामान 199 रुपए का है और दूसरा सामान 175 रुपया का, तो ये दोनों रेट हमें आसपास लगता है क्योंकि दिमाग ऐसे ही काम करता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है आईपीएल के लोगों में कौन सा बल्लेबाज है? इस लोगों में मौजूद बल्लेबाज एबी डिविलियर्स है, उनके एक शॉट से इंस्पायर होकर इसे बनाया गया था। फैक्ट नंबर 5, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा नहीं लगवाया। इसका कारण यह है कि धोनी को विकेट कीपिंग करते समय अपने हेलमेट के नीचे जमीन पर रखना पड़ता था और राष्ट्रीय ध्वज संहिता के मुताबिक तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। जमीन पर रखने की वजह से तिरंगे का अपमान न हो, इसी वजह से धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा नहीं लगवाया। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आईफोन की कोई हैक नहीं कर सकता तो आप गलत है। चाइना में हर साल एक कंपटीशन होता है जिसमें कई अलग अलग हैकर्स अपने स्किल्स को दिखाते हैं। इस साल यह कंपटीशन हुआ और एक हैकर्स ने सिर्फ 15 सेकंड के अंदर आईफोन 13 को हैक कर दिया। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 क्यों आया और 9 क्यों नहीं? क्योंकि जिस साल आईफोन 9 आने वाला था उस साल आईफोन वालों की 10th एनिवर्सरी थी, यानी उस साल से 10 साल पहले आईफोन का लॉन्च हुआ था और वो अपने फोन का नाम अपनी एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 लॉन्च किया। फैक्ट नंबर 2, उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में एक ऐसा होटल स्थित है जहां आज तक एक भी इंसान नहीं ठहरा है। इस होटल का नाम रियोंगयांग होटल है। 330 मीटर ऊंचे और 150 कमरे वाले इस होटल का निर्माण किंग जोंग उन के पिता किंग जोंग इल ने करवाया था। फैक्ट नंबर 1, जब भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाई थी उसके एक महीने बाद तक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति अमित शाह थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।